पोस्ट को चिन्हित भी कर लिया गया और जल्द ही सवाल जवाबों का सिलसिला उसके साथ शुरू किया जाएगा। इस बीच प्रयागराज से एक और बड़ी खबर है, जांच एजेंसियों की रडार पर अशरफ के गुर्गे, तो सद्दाम और लल्ला गद्दी को सता रहा है एनकाउंटर का डर और अब लल्ला गद्दी ने कोर्ट में सरेंडर की अर्जी डाली है। तो लल्ला गद्दी की अर्जी पर आज कोर्ट करेगा सुनवाई। कोर्ट ने पुलिस से मामले में रिपोर्ट मांगी है। सद्दाम और लल्ला गद्दी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो पुलिस की 8 टीमें बरेली जेल में अशरफ को सहूलियतें पहुंचाता था लाल गद्दी और अब एनकाउंटर का डर जो है वो अशरफ के गुर्गों को सता रहा है। एक बार फिर से रुख मानवेंद्र आपका करेंगे क्योंकि अतीक और उसके करीबियों पर तो लगातार जो है कार्रवाई जारी है, लेकिन इस कड़ी में अब अशरफ के गुर्गे भी डर रहे हैं। एनकाउंटर का डर सद्दाम और लाल गद्दी को सता रहा है। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, तमाम जो अशरफ से बरेली जेल में मिलने जाने वाले लोग थे उनको गिरफ्तारी हुई है। सद्दाम जो कि अतीक जो अशरफ का साला है उसको भी पुलिस ने पकड़ा है। और कल अशरफ की पत्नी जैनब ने हमसे बात की थी और ये कहा था कि हमारे पति का यानी अशरफ का और हमारे भाई का की जान खतरे में है, पुलिस ने दोनों को फर्जी तरीके से फंसाया है, उनकी कोई इस पूरे हत्याकांड में कोई भूमिका नहीं है और डर है कि उनका इनकाउंटर किया जा सकता है अशरफ का जेल ट्रांसफर के नाम पर। तो ये बातें लगातार जो अशरफ की पत्नी है वो मीडिया में बोल रही है, तो कहीं ना कहीं डर है। और जिस तरह से पूरी घटना और ये डर होना लाजमी भी है मानवेंद्र, क्योंकि जिस तरह से सख्ती बढ़ती जा रही है, जिस तरह से हम कार्रवाइयों को देख रहे हैं, ये डर होना लाजमी भी है। और अब इसी कड़ी में सरेंडर की अर्जी डाली है और आज इस पर सुनवाई भी होनी है। सुनवाई को लेकर क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, आज जो है जो पूरा मामला है उस पर सुनवाई होगी और उसके बाद जो कोर्ट है वो तय करेगी कि जो सरेंडर को लेकर के अर्जी डाली गई है उस पर सरेंडर के लिए समय दिया जाएगा। और उसके बाद देखना ये होगा कि सरेंडर कर पाते हैं ये या फिर नहीं कर पाते, क्योंकि कई बार पुलिस जो है सरेंडर से पहले पकड़ने का भी प्रयास करती है, क्योंकि पुलिस को अपनी पूछताछ अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना होगा। तो अब देखना ये होगा कि सरेंडर इनका हो पाता है या उससे पहले पुलिस इनको गिरफ्तार कर लेती है। बिल्कुल, 8 टीमें ये पुलिस की जो है वो लगातार सद्दाम और लल्ला गद्दी की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक उन तक पहुंच पाना एक बड़ी चुनौती पुलिस के सामने। तो पुलिस क्या कुछ कह रही है इस पूरे संदर्भ में? अगर पहले यहाँ पर सुनवाई हो जाती है और सरेंडर की अर्जी को जो है यहाँ पर स्वीकार कर लिया जाता है तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए और चुनौती बढ़ते हुए नजर आएगी। जी बिल्कुल, चुनौती है पुलिस के सामने। चुनौती यह है कि सरेंडर से पहले उनको पकड़ना है और दोनों चूंकि फरार हैं तो पुलिस को चूंकि अगर इन लोगों से इस मामले में पूछताछ करनी है तो पुलिस को पहले इनको पकड़ना पड़ेगा, इंटरोगेशन होगा, उसके बाद पुलिस कोर्ट में प्रोड्यूस करती है। लेकिन इनको कहीं ना कहीं इस बात का भी डर है कि पुलिस कहीं हमारा इनकाउंटर ना कर दे, हमारे साथ कोई मुठभेड़ ना हो जाए, इस बात का डर सता रहा है और इसीलिए सरेंडर की अर्जी डाली है। तो सरेंडर की अर्जी पर अब कोर्ट मौका देगा उनको सरेंडर करने का, लेकिन देखना यह होगा कि सरेंडर से पहले बिल्कुल मानवेंद्र, अब देखना होगा कोर्ट का इसमें क्या रुख होता है।